तुम कैसे हो? यहाँ आओ। अरे कैसे हो पार्टनर, क्या हो रहा है घर में? सब खैरियत? बाल बच्चे राजी? मुझसे बहुत मानुस हो गया है। जानवर तो हमसे ज्यादा समझते हैं प्यार की जुबान। कुछ समझ नहीं आ रहा इनके बीच रिलेशन है या नहीं। खाना खा चुका था क्या तू पहले ही? क्या तुझे भूख नहीं है? भूख लग रही है दादी जान, बहुत ज्यादा, मगर दिल नहीं चाह रहा बस। चाहेगा बेटा, चाहेगा। घर में सब कैसे हैं? तेरे मामा को कुछ नहीं बताया। और अम्मी कैसी होगी? अपना ही बोया काट रही है। मकाफाते अमल बहुत अज़ियतनाक होता है बेटा, इंसान को तोड़ कर रख देता है। और तो कोई खास बात नहीं हुई ना? क्या होगा और? एक माँ के साथ इससे बुरा और क्या हो सकता है दुरुप? दो भाइयों में दरार डालने चली थी, अपना सगा बेटा ही खो बैठी है। मुराद और मैं अकेले थे, मगर मुझसे कहा ही नहीं गया। चांस मिस कर दिया तुमने। हाँ क्या करूँ बस। देखो बताना तो है, आज नहीं तो कल। तो जो कल बताना है आज ही बता दे इंसान। बिल्कुल सही कह रही है, बता देना चाहिए था, ऐसी क्या हेजिटेशन? या कोई मसला है इसे? शार्लुक भी शायद हमें कुछ बताना चाह रहा है, देखो। बोर हो रहा है, वॉक पर जाना है इसे। अच्छा तो बोर हो रहे हो तुम, वॉक पर जाना है, घूमना फिरना है। अरे असली को बोलना था ना, वो तुम्हें वॉक पर ले जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, शार्लुक को भी कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल ले जा सकती हूँ। असली रुक जाओ, मैं भी चलती हूँ, इसे लेकर कहीं तुम दूर ना निकल जाओ। रात काफी हो गई है ना, मैं भी साथ जाती हूँ। चलो आ जाओ, कम ऑन। इतना मत सोचो यार, जो होगा देखा जाएगा। ज़ाहिर अब तो बताना ही है, लेकिन क्या कुछ बताऊं समझ नहीं आ रहा। कहां से शुरू करूं, क्या बताऊं, क्या छोड़ दूं? खौफज़दा हूं मैं इब्राहिम, बहुत डर लग रहा है। खौफज़दा इसलिए हो कि पता नहीं क्या रिएक्शन हो उसका ये सब सुनकर। तुम खौफज़दा हो सिर्फ बेयकीनी से। चलो मुझे मुराद समझ लो और ट्राई करो। कैसे कहोगे यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, यानी मुझे अंदाजा है वो जो कुछ भी कहेगा, जैसा भी बिहेव करेगा। चलो हिम्मत करो और कह दो सब। यूं समझो मुराद है इस वक्त तुम्हारे सामने, देख लेना फायदा होगा इसका। तुम रिलैक्स तो फील करोगी कम से कम। चलो झूठ बोला है, मैं कोई और हूं, सोना पैक्टिस नहीं। बहुत खामोश हो तुम, कोई परेशानी है क्या? हाँ, लेकिन आपसे या ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं, बस यूं ही। तो किसी को छोड़ने का दुख हो रहा है क्या? अगर आप इब्राहिम की बात कर रहे हैं तो उससे मैं खुद बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। उसे इनवाइट भी किया मगर उसने माजरत कर ली। खासा तेज आदमी है वो। नहीं, जुबानी दावत दी थी अभी तो। यही तो होशियारी है उसकी, जानता था कि इनविटेशन नहीं मिलेगा तो इसलिए मना कर दिया उसने। ये सब एक गेम था, आपको बता तो चुकी हूँ, तो फिर क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? हाँ लेकिन ये तो तुम कह रही हो ना, इब्राहिम की क्या फीलिंग्स हैं ये तो कोई और नहीं जानता। Thank you.
असली डियर, ये फ्रंट सीट पर जो कपल बैठा है कितना स्वीट है ना। मैं भी यही कहने वाली थी, दोनों में बहुत ही प्यारे, माशाल्लाह किसी की नजर ना लगे। मगर कुछ ज्यादा ही स्वीट हैं दोनों, बाज़ औकात लड़ भी लेना चाहिए। लड़ाई से मोहब्बत बढ़ती है, रेगुलर लड़ाई होती रहना चाहिए और फिर सोशल मीडिया पर भी आ जानी चाहिए, ताकि और चाहने वाले भी दोनों को अपने अपने हिसाब से भड़काते रहें और अपने नए नए फोटोज भी डालते रहें। बेकार है, हम अपने अपने हिसाब से बहुत सारी फोटोज डाल चुके हैं, इतना बड़ा फोटोज का बंच है। जबरदस्त जवाब दिया है तुमने, रुक तसल्ली हो गई। अच्छा एक चीज और देखो करीम, आईपी को गाड़ी में तो घुमाना फिराना नहीं, ऐसे मोहब्बत क्या खाक पड़ेगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना करीम भाई? तो कैसे घुमाओ फिराऊं, कोई मालिक थोड़ी हूँ मैं इस गाड़ी का। मालिक नहीं, मालिक क्या यार, मुराद मना करेगा अगर ये पूछे। लो शुरू हो गई लड़ाई यार। हद है किस कदर बुरे हो ना तुम दुरुक, कितने मजे से दोनों में फूट डलवा दी और अब खुश हो रहे हो तुम। बात ये है कि आई लव यू से आगे ना बढ़ने वाले जो कपल होते हैं, उनकी मोहब्बत का फूल मुश्किलात में पड़ते ही खिल जाता है और कुछ भी फेस नहीं कर सकते, यानी तभी उनकी मोहब्बत नहीं चल पाती है ना। अब खुद डिसाइड कर लो, अपनी मोहब्बत को लड़कर मजबूत बनाना चाहते हैं या नहीं। वाकई मैं तो चट्टान जैसी मजबूत बनाना चाहता हूँ, मगर ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये तो सुना ही होगा द्रुक तुमने। बहुत कच्चे कानों के हो तुम करी, मुझे अंदाजा नहीं था बिल्कुल। तुम्हारी तो वही मिसाल है कौवे और कान वाली। किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे दौड़े, अपने कान पे गौर नहीं किया करी। बहुत दुख हो रहा है मुझे। यही चीज होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होता है, दुख वही होता है जहाँ प्यार हो। चुप हो जाओ करी। हेलो दीदा मैडम। हाँ चाला डियर। माय डार्लिंग कैसी हो चंदा? माय डार्लिंग जी ठीक हूँ दीदा मैडम, आप कैसी हैं? बिल्कुल A1 एकदम। अच्छा एक बात पूछनी है तुमसे, वो जो नया लड़का है इब्राहिम नाम है शायद उसका, जानती हो ना? बिल्कुल जानती हूँ। उसका टेलीफोन नंबर होगा तुम्हारे पास क्या? क्यों नहीं, कंपनी के हर बंदे के नंबर मौजूद है मेरे फोन में। अच्छा तो लिखवाओ फटाफट। बिल्कुल एक मिनट। हाँ 4275। ओके बहुत शुक्रिया तुम्हारा चाला, वैसे कोई खास बात नहीं थी, बस काम के लिए ही कुछ पूछना था। थैंक यू चाला, बाय। Aşk laftan anlamaz.